होगा ये, चैंपियन बनने के लिए दीनों दुनिया साथ लेके चलना चाहिए। एग्जाम्पल क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, जिसको आता हो हाथ खड़ा करेगा फौरन। जो हमारे महीने हैं इनके नाम बताने हैं। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। आप लोग कहाँ रहते हैं? पाकिस्तान। और किस मजहब को फॉलो करते हैं? इस्लाम। इस्लामिक मंथ के नाम बताइए जिसको आता है। जी मारिया, आप बताएं। नहीं, मुझे नहीं आती। क्योंकि आजकल माशरा ऐसा है हमारा कि हम ये सोचते हैं अगर हमने पार्टी कर ली तो पार्टी करने वाले को मजहब का क्यों पता होना चाहिए, और पार्टी करने वाले को जब देखते हैं लोग कहते हैं पार्टी करता है, नमाज तो पढ़ता ही नहीं होगा। लेकिन मेरे शो का चैंपियन वही बनेगा जो अपने मजहब को भी समझता होगा। हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम बहुत अच्छे और सुपर डुपर मुसलमान हैं, ना ही ये बात कभी हमें करनी चाहिए। ये तो इस्लाम का मकसद जहाँ पर हुआ है, इस्लाम की बात हो रही है तो किसी मुफ्ती से पूछ लेते हैं। हमेशा ये कहा जाता है जी। क्यों? पार्टी के टाइम, गानों के टाइम तो आप किसी डीजे से नहीं पूछते। पूछते नहीं। आपको सब पता होता है ये गाना लगाओ, वो गाना लगाओ। आखिरत में भी यही करेंगे, भाई मौलाना साहब ने जो बताया हमने तो वो किया। ये आपकी जिम्मेदारी है एज अ चैंपियन कि आप तहकीक करें जिस भी मजहब को आप फॉलो करते हैं वो मजहब क्या है। अगर आप कुछ पढ़ते हैं अरबी में तो उसका मतलब क्या है, नहीं पता तो इसका मतलब ये है फिर किस बात के चैंपियन हुए। जवाब देने हैं लड़कियों को, अगर गलत जवाब तो सजा मिलेगी उनके पार्टनर को। तो मैंने सोचा भाई मेरी बंदी तो पढ़ी लिखी है, आसानी से जवाब देगी सारे। लेकिन उन्होंने कहा इस्लामियात के, फिर मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगा भाई इस्लामियात की कहाँ से देगी ये, आजकल की मॉडर्न बच्ची है ये, इस्लामियात कहाँ पढ़ती होगी। पहला सवाल, क्यू कार्ड उठा लें, जो भी मैं सवाल करूँ उसका जवाब लिखने के लिए 10 सेकेंड आपके पास। कितने? 10 सेकेंड। 10 गिनेंगे और छोड़ देना मारकर। रमज़ान, काफ़ी दफ़ा इसकी अहमियत के बारे में बात होती है। कितनी दफ़ा तकरीबन रमज़ान का लफ्ज़ कुरान पाक में आया है, कहाँ आया है और इसका क्या मतलब है? गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। स्टॉप राबिल। कौन कह रहा है कि उसे नहीं पता? बिल्कुल, हाथ खड़ा कर ले। एक और दो, थोड़ा सा ना ना टाइम का लिखा है आपने तो दे दें। थोड़ा सा हाफ लिखा है, थोड़ा हाफ लिखा ले लो। तो भाई मेरी पार्टनर है रुबैशा, उसने मुझे कान में बोला कि वो हाफिज कुरान है, तो भाई मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कशफ ने कुछ नहीं लिखा। ये रुबैशा, आपने क्या लिखा? वो नहीं पता। रमज़ान का जिक्र कुरान पाक में एक दफ़ा हुआ है सूरह बकरा में। रमज़ान क्यों मनाते हैं हम? जी लड़कियां बताएं अगर बता सकती हैं। सबर का महीना। हाँ, सबर, सबर का महीना, बहुत सुकून मिलता है। नहीं, क्यों क्यों करते हैं हम? रमज़ान का मकसद क्या है? पेशेंस चेक करें। क्या हमारी हमें जो हमारी जो ईद होती है बोलें, हमारी जो हम जो ईद मनाते हैं मतलब पूरे महीने हम रोज़े रखते हैं, फिर उसके बाद हमें एक मुझे बताना नहीं आ रहा। नहीं, रमज़ान क्यों मनाते हैं? रमज़ान क्यों मनाते हैं जी? रमज़ान इसलिए मनाते हैं क्योंकि ताकि हमें एहसास हो। आपसे पूछा है? सॉरी, मारी आई है। आप रमज़ान में रोज़े रखती हैं या छोड़ देती हैं? रोज़े रखती हूँ सारे। क्यों रखती हैं? सुकून मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ हम भी रख रहे हैं। हम भी मतलब कि हम रोज़े रखते हैं तो फिर एक होता है कि नमाज़ें पढ़ते हैं और एक वही महीना होता है जिसमें हम जिसमें नमाज़ें पढ़नी चाहिए। नहीं, नहीं मतलब कि हम प्रॉपर नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं और लग रहा होता है मस्जिदों में सब जा रहे होते हैं, एक अलग ही नज़र आ रहा होता है और बहुत अच्छा लग रहा होता है। क्या मकसद है रमज़ान का? रमज़ान का मकसद जी है, ठीक है जी मारिया। रमज़ान का बेसिकली मकसद है कि अल्लाह ताला सब्र का महीना है कि इंसान कितना सब्र कर सकता है, पेशेंस चेक करने के लिए। याद सब्र चेक होता है इससे जी। राबिल, ताकि औरों को भी गरीबों का और इन लोगों का एहसास कर सके। सिर्फ रमज़ान में? मतलब वो होता है ना कि भूखे जो रह रहे हैं ताकि उन लोगों को भी एहसास हो। सिर्फ रमज़ान में? उसमें ज़्यादा होता है, रोज़ा रखना पड़ता है। तो आप रोज़ा क्यों रखती हैं? आपके रोज़ा रखने से गरीब का फ़ायदा कैसे होगा? क्योंकि रोज़े फ़र्ज़ हैं। क्यों फ़र्ज़ हैं? क्योंकि अल्लाह ताला ने हुक्म किया है। क्यों? कुरान में जी। रुबैशा, इसलिए ताकि हमें अल्लाह की नेमतों का पता चले कि अल्लाह ने हमारे बाकी पूरे साल नहीं, रमज़ान में हमें बिल्कुल पता चल जाता है कि अब जब हम इतना भूख प्यास रहती है तो हमें पानी का भी पता चल जाता है कि पानी हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। उससे क्या अचीव करना है? उससे अल्लाह अल्लाह की तरफ अचीव मतलब सब्र ही आता है और नेमतों का पता चलता है, और इसके अलावा इसमें जो ताक रहते हैं वो तो पूछे नहीं। रमज़ान में भूख प्यास और नेमतों का ज़्यादा पता चलता है।
رمضان کا مطلب ہوتا ہے کہ قرآن پاک نازل ہوا ہے تو اس کی سیلیبریشن ہے. رمضان کا مقصد ہے تقویٰ اچیو کرنا. کیا ہوتا ہے تقویٰ؟ پرہیزگاری. تقویٰ کیا ہوتا ہے پتہ ہے کسی کو؟ ابھی بھی بچ سکتے ہیں آپ لوگ. آپ گیم میں نہیں پتہ؟ واہ بھائی واہ. رمضان کا مقصد ہے تقویٰ اچیو کیا جائے, یہ پرائم مقصد ہے. تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا ڈر دل میں لانا. آپ کی روح کی ایکسرسائز ہوتی ہے تاکہ اللہ کا ڈر آئے. شیطان کو قید کر دیا, شیطان کو قید کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب آپ کا دل ایکسرسائز کرے, آپ کی روح ایکسرسائز کرے, تاکہ باقی مہینے میں جب شیطان اٹیک کرے تو آپ پریپیئرڈ ہوں. اور پریپیئرڈ کیوں ہوں گے؟ صبر کس بات کا؟ اللہ کا ڈر ہوگا تو آپ بچیں گے نا شیطان کے اٹیک سے. تو رمضان کا مقصد ہے تقویٰ اچیو کرنا, صبر, غریبوں کو کھانا کھلانا, یہ تو بیسک ہے. افطاری پلان کرنے کے لیے صرف رمضان کرتے ہیں کیا؟ سورہ بقرہ میں جہاں اس کا ذکر ہے وہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ یہودی بھی روزہ رکھتے تھے لیکن تقویٰ نہیں تھا ان میں, اللہ کا ڈر نہیں تھا. تو اللہ کا ڈر دل میں لانے کے لیے آپ کو یہ مہینہ دیا گیا. جواب تو سب کا غلط ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ گیم میں اگر آگے جانا ہے تو لڑکوں کو ٹارچر فیس کرنا پڑے گا. خاموش بیٹھیں گے سب, جب ٹارچر پتہ چلے تو ہار مان لینا تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے. ٹارچر کا پہلا حصہ دے دیں ذرا مجھے. اب آئی جلاد کی باری کہ دوزخ میں جیسا جلاد ہوتا ہے ویسا ہمیں یہاں پہ ملنے والا ہے. میں تو اپنی سوچ میں پڑ گئی کہ بھائی کیسا آنے والا, جب جلاد کی انجری ہوئی شکل سے وہ اتنا خوفناک تھا کہ میں نے بولا بھائی سب کی بجنے والی ہے. جلاد صاحب آپ کے لیے کچھ لائیں, دکھائیں. چمپل. سوال کا جواب غلط دیا گیا, بندہ اٹھے گا یا بیچ میں آئے گا, بینڈ کرے گا, اس کے پیچھے یہ ایک دفعہ زور سے ماریں گے, آواز نہیں نکلنی چاہیے. آواز نکلی تو کام خراب. جی بلال آئیے, اور آپ کا منہ اس کیمرے کی طرف ہونا چاہیے. یوں کھڑے ہو, آ گیا ہے, آ گیا ہے. بس رکو رکو رکو, جی جھکیں اور جھکیں. نہیں 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 نہیں, تشریف نظر آنی چاہیے. تشریف نہیں پتا کیا ہوتی ہے, ابھی پتہ چلتا ہے جب خراب ہوگی. آئیے پیچھے. میری طرف نہیں کرنی. نہیں نہیں آپ ادھر آئے, ان کی طرف کریں تشریف. آگے ہوگی, آگے ہوں, کیمرے کی طرف آئیں. یوں کھڑے ہوں, جھک جائیں, آپ گھومیں, ادھر کریں تشریف کو اپنی. اچھا سر انگلش میں بول رہے ہیں ادھر. اچھا ہمارے پاس ہے, انگلش میں. انگلش میں بھائی تم انگلش میں کیوں بولتے ہو جب تمہیں پتا ہے تمہیں نہیں پتا کیا چیز ہے؟ اب جو لڑکی دے گی غلط جواب اس کے پارٹنر کی تشریح میں پڑے گا چھتر. اب ظاہر سی بات ہے آپ کا پارٹنر ہے جو بھی ہے آپ کے ساتھ ہی ہے نا, تو برا تو آپ کو لگتا ہے. روبیشہ میم کو آسان سے سوال نہیں آ رہے, اسلامی کوشچن. میں نے سوچا یار میں جو ہوں نا اس کے مدرسے پہ جا کے اس کے مولانا صاحب سے پوچھوں گا کہ بھائی آپ کی اسٹوڈنٹ کیسی ہے, اتنے آسان سوال نہیں آ رہے. میں نے کہا چپل تو کھانے کھا لیں گے چپل, یار بہت چپل کھائی ہیں. تو جب میں چپل کھانے کے لیے کھڑا ہوا اور جب مجھے چپل بھری